स्काइप पे आपने देखा होगा, जब भी आपको किसी भी चैट या ग्रुप वगैरह में कोई भी जो है वो फोटो वगैरह या कोई फाइल वगैरह सेंड की जाती तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती। अब जिस तरह ये लास्ट में देखिए, फोटो मुझे सेंड की गई है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड हो गई है, तो आप इसको जो है ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सेटिंग्स को बंद करना चाहते हैं, अगर आप अपना डेटा सेव करना चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो, तो आपने क्या करना है, टॉप पे ये देखिए लेफ्ट पे आपको जो अपना प्रोफाइल आइकन के सामने आपका नेम है, इस पर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक लिंक आ जाएगा सेटिंग्स का, आपने सेटिंग्स पे टैप करना है। उसके बाद आपने जो है ये नीचे देखिए एक आपको लिंक मिलेगा मैसेजिंग का, आपने इस पर चले जाना है। और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में जो एक लिंक मिला हुआ है ऑटो डाउनलोड फोटोज़, इस पर आपने जो है वो टैप करना है। तो इस तरह से आपके पास वो ऑप्शंस आ जाएंगी कि अगर आप वाईफाई या सेलुलर डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ वाईफाई पे ही जो है फ़ोटोज़ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि आप वो जो फ़ोटोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो तो आपने नेवर पे जो है वो क्लिक कर देना है, तो ये वाली सेटिंग जो है वो यहाँ पे लग जाएगी। इस तरह से आप अपना डेटा वगैरह जो है उसको सेव कर सकते हो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।